इंदौर के अंतिम चौराहे के पास बने मेट्रो अस्पताल के आगे लोहे और कांच से बना एक शेड भरभरा कर नीचे आ गिरा, जिसमें धमाके की आवाज आते ही आसपास के दुकानदार इधर उधर भागे। इस हादसे में अस्पताल का ही सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस शेड नुमा फ्रेम के गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मल्हारगंज इलाके में मेट्रो अस्पताल के आगे बना कई किलो वजनी लोहे के एंगल और कांच से बना शेड अचानक नीचे आ गिरा। इस दौरान आसपास के दुकानदार सहम गए। बोर्ड और फ्रेम गिरने की तेज आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में अस्पताल के गार्ड जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस समय शेड गिरने की घटना हुई, उस दौरान नीचे कई दो पहिया वाहन खड़े थे जो शेड में दब गए। वहीं दूसरी तरफ बाहर ड्यूटी कर रहा अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। अस्पताल प्रबंधन इसे छोटा सा हादसा बताकर घटना से अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि यह हादसा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का नमूना है। फिलहाल इंदौर में एक बड़ा हादसा टल गया। चश्मदीद मनोज खारीवाल ने बताया कि मेन रोड पर अचानक हुए हादसे में कई वाहन चालक बच गए, दुकानदार भी काफी देर तक को समझ नहीं पाए। मेट्रो अस्पताल में पहले भी एक गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में किसी तरह की शिकायत और हानि से इनकार कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।